स्टूडेंट्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पाठ्यक्रम। मैंने पिछले वीडियो में आपको ज्ञान के बारे में बताया था, जैसा हमारी पुस्तक का नाम भी है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो ये हमारी सेकंड यूनिट है, इसमें हमारा है पाठ्यक्रम। एक ये पाठ्यक्रम का पॉइंट हमारे विषय एवं संकाय एवं विषयों की समझ का भी है, लेकिन अभी मैं इसमें आपको पाठ्यक्रम के अर्थ के बारे में, पाठ्यक्रम की परिभाषा के बारे में और पाठ्यक्रम की प्रकृति के बारे में बता दूँ। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि आखिर पाठ्यक्रम होता क्या है। हम ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम जो हमारे, हम जो लक्ष्य लेके चलते हैं, जो निश्चित उद्देश्य लेके चलते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति हमें इस पाठ्यक्रम के माध्यम से होता है। जैसा हम देखते हैं पाठ्यक्रम अर्थात पाठ्य, अगर हम इसका इसे करें पाठ्य प्लस क्रम, तो पाठ्य क्या हो गई, ये पाठ्य है हमारी पढ़ी जाने वाली विषय, या हम कह सकते हैं पढ़ने वाली वस्तु। क्रम को हम करेंगे जो इसका क्रम होता है, हमारा इसका क्रम कि हम इसे कहां से शुरू करते हैं, कहां तक हम इसे पढ़ना है, तो इसे कहते हैं कि पाठ्य यानी कि पढ़ी जाने वाली, और क्रम हो गया उसका क्रम कि हम उसे किस तरह से निर्धारित करते हैं। तो पाठ्यक्रम में वही चीज आती है, यानी कि पाठ्यक्रम को हम पूरा देखें तो पढ़ी जाने वाली विषय को क्रमबद्ध करना पाठ्यक्रम कहलाता है। इस पाठ्यक्रम के अंदर ही हम हमारी जो विषय वस्तु होती है, हमारा जो विषय होता है, उसे हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं कि हमें किस तरीके से इसे पढ़ाना है। यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम दो शब्द से मिला है, पाठ्य प्लस क्रम, पाठ्य का अर्थ हो गया पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु, और क्रम का अर्थ हो गया हमारा उसके क्रम अनुसार उसका विवरण। क्रम का हो गया हमारा उसका विवरण, यानी कि हमें उस विवरण को कैसे शुरू करना है, किस क्रम में करना है, ये हमारा इसमें आता है। हम यहाँ देखते हैं कि पाठ्यक्रम, हमने कहा है पाठ्यक्रम हमारे किससे है, ये पाठ्यक्रम जो हमारे शब्द पाठ्यक्रम का, जिसे हम कहते हैं करिकुलम, ये शब्द पाठ्यक्रम कहते हैं हम इसके करिकुलम। ये वर्ड हमारा लेटिन भाषा के क्यूरिस वर्ड से लिया गया है, जिस क्यूरिस का अर्थ है मैदान, खेल का मैदान, या हम कह सकते हैं इसे मैदान, इसका अर्थ होता है मैदान। यानी कि हमने जो करिकुलम है इसका हमने अर्थ देखा है, तो इसके लिए हम कहते हैं खेल का मैदान, दौड़ का मैदान, ये होता है हमारे दौड़ का मैदान। क्यूरिस हो गया मैदान, किसका, दौड़ का। जैसा हम देखते हैं कि करिकुलम हमारा पाठ्यक्रम है, हम बिना पाठ्यक्रम के हम नहीं दौड़ लगा सकते। जिस तरह से कहते हैं कि घोड़े को दौड़ने के लिए उसके मैदान की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से हम देखें कि पाठ्यक्रम में हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम को हम अगर कहें तो यहाँ व्यक्ति या स्टूडेंट एक अपनी दौड़ लगाता है, जब तक उसके अंदर उसके पास कोई विषय नहीं होगी, कोई उसका उद्देश्य नहीं होगा, तो वो दौड़ कहाँ से लगाएंगे। तो ये कहते हैं कि जो हमारा करिकुलम हमारा पाठ्यक्रम, वो हमारे दौड़ का एक हिस्सा होती है कि हमें किस तरीके से उस मैदान में दौड़ना है, ये हमें उसे देखना होता है कि दौड़ हमारा क्या है, हमारे दौड़ने का स्थान, या कहें कि हमें दौड़ने के लिए एक लक्ष्य की आवश्यकता होती है, उस लक्ष्य को हमें किस तरह से पूरा करना है, वो हमें हमारा पाठ्यक्रम सिखाता है। इस पाठ्यक्रम के आधार पर हमें किस तरीके से, कहाँ और कितना दौड़ना है, ये हमें पाठ्यक्रम ही सिखाता है। अगर हम देखें कि पाठ्यक्रम को जहाँ हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम, अगर हम उसको अवधारणा के आधार पर देखते हैं, तो पाठ्यक्रम हमारे दो आधार पर है, प्राचीन और आधुनिक। हम कहते हैं पाठ्यक्रम हमारा किसका साधन है, हमारी शिक्षा का, यानी हम उसे हमारी शिक्षा में काम में लेते हैं। अगर हम हमारी शिक्षा में इसको काम में लेते हैं, तो शिक्षा के लिए हमारा शिक्षा
कहते हैं कि जहां हम देखें तो शिक्षा के स्वरूप को हमने प्राचीन और आधुनिक देखा है, या फिर हम इसे कह सकते हैं प्राचीन को संकुचित व व्यापक। व्यापक यानी कि जो हमारा आज का क्षेत्र है आधुनिक, वो कैसा है? हमारा व्यापक वाला है, बड़ा वाला। तो इसमें हमारे जो पाठ्यक्रम के लिए कहते हैं कि पाठ्यक्रम को दो आधारों पर इसने विभाजन किया है, प्राचीन व आधुनिक। हम देखें कि पहले जो हमारे पाठ्यक्रम का उपयोग था बहुत ही संकुचित था, यानी कि ये कहा जाता था कि बच्चे को एक शिक्षित करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, एक उस चीज़ की शिक्षा लेने के लिए उसको पाठ्यक्रम दिया जाता था। उसके जीवन में क्या उपयोगी है या क्या उपयोग में लाना है या उसके भावी जीवन में उसे क्या जरूरत पड़ेगी, ये चीज उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं थे। केवल उन्हें एक अपना शिक्षा ग्रहण करना था, यहाँ तक ही पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ था। लेकिन आज के जो हम देखते हैं हमारे व्यापक क्षेत्र में, हम जो पाठ्यक्रम कहते हैं, आज का जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो शिक्षाविदों वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित किया हुआ पाठ्यक्रम बनाया जाता है। वो पाठ्यक्रम बनाने से पहले विद्यार्थियों का, या कहते हैं उस स्तर का विद्यार्थियों का वो देखा जाता है मानसिक स्तर कि किस आधार पर हम पाठ्यक्रम बनाएं, या जो पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं वो बच्चों के आगे भविष्य में कितना उपयोगी होने वाला है। अर्थात जहाँ प्राचीन युग में हमारे जो पाठ्यक्रम का सिर्फ ये पता नहीं था कि बच्चों के लिए क्या उपयोगी है और क्या नहीं, लेकिन आज का जो हमारा पाठ्यक्रम बनता है उस पाठ्यक्रम को केवल उसका उद्देश्य शिक्षित करना नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है कि इसका प्रयोग भावी जीवन में विद्यार्थी किस तरीके से करते हैं ये हमारे इस क्षेत्र में आता है। तो यही चीज थी। अगर हम पाठ्यक्रम के लिए कहें सामान्य भाषा में तो हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक हमारी एक व्यवस्थित की हुई, एक क्रमबद्ध की हुई क्रिया होती है जिसे हम प्रयोग में लाते हैं। हमें प्रयोग में लाने के लिए एक व्यवस्थित की गई क्रिया हमारी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है कि हमें किस तरीके से इसका प्रयोग करना है। कहा जाता है कि हमारा जो पाठ्यक्रम हमें एक हमारी मानक उपाधि ग्रहण करवाता है। पाठ्यक्रम के द्वारा मानक उपाधि ग्रहण की जाती है। ये मानक उपाधि क्या होती है कि जिस कहते हैं कि जिस क्षेत्र को चुनते हैं और उसकी हम उपाधि ग्रहण करते हैं। हम ये कहें कि हम बीएड करने जा रहे हैं, लेकिन बीएड का हमारी मानक उपाधि क्या है? पूरी बीएड करना। यानी पाठ्यक्रम में हमारे क्या आता है, जो हमारा क्रम होता है पाठ्यक्रम का, हमारे करिकुलम कहते हैं कि पाठ्यक्रम का हिस्सा सिलेबस होता है जिसे हम पाठ्यचर्या कहते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम को हम कहें तो लेवल हमारे मानक उपाधि होती है। ये उस क्षेत्र का हमारा पूरा ज्ञान करवाती है हमें। हम ये कहें कि हम बीएड कर रहे हैं तो प्रॉपर हमारी जो बीएड की उपाधि होती है हमें वो ग्रहण कौन करवाता है? पाठ्यक्रम। वो हमें पूरे 2 ईयर्स का ये बताता है कि हमारे 2 ईयर्स में हमारे ये सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ईयर में हमें ये पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में हमारे प्रैक्टिकल के ये नंबर हैं, सेकेंड ईयर में हमारे, तो ये हमारे पूरे बीएड की मानक उपाधि हमें ग्रहण करवाता है। यानी कि जिस चीज़ का हम ज्ञान ले रहे हैं, जिस क्षेत्र को हमने चुना है, जिस जगह हम, तो हमें वो पूरी जगह पूरा हमारे इस मानव उपाधि ग्रहण करवाता है। आप देखें इसी में ही हम प्राचीन और आधुनिक का मैंने आपको बताया कि प्राचीन में हमने बताया था कि शिक्षा या हम कहेंगे पाठ्यक्रम एक लिमिटेड था, जिसे हम संकुचित भी कह सकते हैं कि छोटा था, कि सिर्फ उद्देश्य हमें शिक्षित करने का था। लेकिन जो आधुनिक है वो हमें आज के टाइम पे शिक्षा के बाद में हमें आज जो हमें किस तरीके से हमें शिक्षा ग्रहण करवानी है या शिक्षा ग्रहण करके हमें क्या आगे बनना है ये हमें कौन सिखाता है? हमारा पाठ्यक्रम। तो इसमें मैंने आपको 2 चीज बताई है कि पाठ्य का अर्थ होता है पाठ्य प्लस क्रम, अर्थात हमारी पढ़ी जाने वाली वस्तु, या कहें हमें पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु, और क्रम हो गया हमारा
विवरण कि हमें किस तरीके से उसे क्रमबद्ध पढ़ना है, यानी हमें उस विषय को किस तरीके से पढ़ना है ये हमें पाठ्यक्रम सिखाता है। हमारे जो पाठ्यक्रम के लिए मैंने कहा था कि पाठ्यक्रम हमारा जो करिकुलम वर्ड है हमारा वो लेटिन भाषा के क्यूरियस वर्ड से बना है जिसे हम कहते हैं दौड़ का मैदान, यानी कि हमारे दौड़ने का मैदान। व्यक्ति जब तक उसके हाथ में हथियार नहीं होगा तो हम कहते हैं सैनिक के हाथ में अगर हथियार नहीं होगा तो वो युद्ध के मैदान में नहीं उतर सकता। उसी तरीके से हम आज कहें कि जो हमारे शिक्षक का हथियार है वो हमारा पाठ्यक्रम होता है, तो उसके बिना शिक्षक अपना ज्ञान नहीं दे सकते, या कहें कि शिक्षक के लिए एक सहायक होता है, ये उनका श्रम का एक स्रोत होता है जिसके माध्यम से वो बच्चों को अध्ययन करवाते हैं। अगर हम कहें जब ही आज हमारी जो शिक्षा है उसके लिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा किस पर है, बालक सबसे पहले हम क्या बनाते हैं पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम किसके आधार पर बनता है विद्यार्थी के आधार पर। तो आज की जो शिक्षा में परिवर्तन है, जहाँ पहले का हमारा पाठ्यक्रम था वो था हमारा शिक्षक केंद्रित, यानी कि शिक्षक ही उस पर जिसमें अध्यापक की प्रधानता थी, शिक्षक महत्वपूर्ण थे, लेकिन आज का जो हमारा पाठ्यक्रम बनता है वो हमारा बनता है बालक के आधार पर, अर्थात जो बालक कहे, या कहते हैं कि बालक के मानसिक स्तर या बालक के प्रयोग, यानी कि वो अपने भावी जीवन में उसे कितना प्रयोग में ले सकता है, या अभी जो हमने उसको सिखा रहे हैं उसे कितना प्रयोग में ले रहा है। तो आज का पाठ्यक्रम जो होता है वो हमारा होता है बालक के आधार पर, और बालक के आधार पर, और फिर हमारा यहाँ पर शिक्षक के लिए कहते हैं सर्वप्रथम यहाँ पर हमारा पाठ्यक्रम बालक पर ध्यान देता है, अर्थात बाल केंद्रित। आज का जो पाठ्यक्रम हो गया हमारा वो बाल केंद्रित, उसके बाद में हम इसमें शिक्षक इस पर ध्यान देते हैं कि हाँ शिक्षक बच्चों के, क्योंकि जो पाठ्यक्रम पढ़ता है वो कौन पढ़ता है स्टूडेंट, इसीलिए स्टूडेंट की मानसिक योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। इसीलिए हम कहेंगे कि अगर हम कहें कि पाठ्यक्रम आखिरकार होता क्या है, तो पाठ्यक्रम को मेन हम सही शब्दों में देखें तो पाठ्यक्रम वो है जो हमें सरल से कठिन की ओर ले जाता है, सरल से कठिन की ओर ले जाता है। ये हमें पहले हमारी सभी विषयों का ज्ञान करवाते हैं, अर्थात हमें एक तरह से हमारे लिए सरल बनाते हैं कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो अगर हम देखेंगे तो वो हमारे लिए कहते हैं पाठ्यक्रम हमारे लिए सरल से कठिन तक की ओर जाने का एक साधन है, यही पाठ्यक्रम के लिए कहा जाता है। कहते हैं पाठ्यक्रम हमारा क्या होता है, पाठ्यक्रम हमारे अध्ययन का क्रम है, पाठ्यक्रम हमारा अध्ययन का क्रम होता है, अध्ययन का क्रम होता है कि हमें किस तरह से उसे पढ़ना है, क्योंकि मैंने इसमें शुरू में बताया है कि पाठ्यक्रम यानी कि हमारी पाठ्य यानी विषय वस्तु, कि हमें उसे पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु, कि हम उसका अध्ययन किस क्रम में कर रहे हैं, किस क्षेत्र में कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये आता है हमारे पाठ्यक्रम में। तो हम पाठ्यक्रम के लिए कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम हमारे अध्ययन का क्रम होता है। अब मैं बताऊंगी आपको पाठ्यक्रम की परिभाषा, परिभाषाएं मैं आपको विभिन्न अपने शिक्षाविदों के आधार पर बता रही हूँ। सबसे पहले हमारे कनिंगम, जिनकी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा होती है, ये हमारे कई एग्जाम्स में पूछी जाती है, अभी हमारे एडिट में भी ये पूछी गई थी। तो ये जो परिभाषा है कनिंगम की, इसके लिए मैं ये कहूँगी आपको कि ये सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है आपके लिए। तो इसमें कहा गया है, कनिंगम ने कहा है, एक तरीके से कनिंगम ने शिक्षक को कलाकार माना है, इन्होंने जो शिक्षक का रूप देखा था वो माना था इन्होंने कि शिक्षक एक कलाकार है, अभिनेता है, और जो शिक्षा यानी जो पढ़ाना होता है वो उनकी कला होती है। तो इनका मानना था कि जो कला है, जो हम जब तक हम कला के लिए पूर्ण तरह से ज्ञाता नहीं हो जाते, और इसके लिए ज्ञाता होने के लिए हमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम इसका सबसे महत्वपूर्ण सहायक होती है, किसकी, कलाकार की, और कलाकार कौन है यहाँ पर, शिक्षक। तो इसमें इन्होंने कहा है शिक्षक के हाथ का औजार है जिसके द्वारा
वस्तु को अपने अनुरूप आकार देता है। इन्होंने कहा था कि जिस तरीके से कलाकार होता है वो अपना अभिनय करता है और वो जो चाहे उस रूप में ढल जाता है, उसी तरीके से शिक्षक होते हैं। कहते हैं कि शिक्षक एक जिस तरीके से कुम्हार अपने जो अपने घड़े का एक आकार देता है, अपनी डिज़ाइन का आकार देता है, उसी तरह से इन्होंने शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहा है कि अगर शिक्षक चाहे छात्र को जैसे चाहे अपने स्वरूप में आकार दे सकता है, अर्थात हम अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। कहते हैं शिक्षक ऐसा होता है जो बच्चों को सर्वगुण देकर अगर उसे सर्वांगीण कहते हैं पूरे संपूर्ण उसमें सारे गुण होने के बाद में हम उन्हें उसे एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में बना सकते हैं। तो इसमें कहा है कि शिक्षक के हाथ का औजार है जिसके द्वारा हाथ का औजार क्या है इनके पाठ्यक्रम। कहते हैं कि पाठ्यक्रम है जो शिक्षक का क्या है औजार है हथियार है। कहते हैं ना हम बिना हथियार के हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये पाठ्यक्रम जो होता है वो हमारे शिक्षक का हथियार होता है जिसके द्वारा वस्तु को अपने अनुरूप आकार देते हैं। शिक्षक उसे अपने आकार में अपने अनुरूप छाटते हैं कि उसे किस तरीके का बनाना है। सेकंड है हमारी फ्रॉबेल के अनुसार, तो फ्रॉबेल ने कहा है कि व्यक्ति में ज्ञान व अनुभवों का सार क्या होता है पाठ्यक्रम से मिलता है। कहते हैं कि जब तक हमारे पाठ्यक्रम हमने देखा है आजकल जो हमारा पाठ्यक्रम है क्यों बनाया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, क्यों बनाया जाता है शिक्षाविदों के आधार पर, क्योंकि उसमें उनका ज्ञान और उनके अनुभव दोनों ही उसमें समाहित होते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया कि व्यक्ति के ज्ञान व अनुभवों का सार किसमें छुपा हुआ होता है पाठ्यक्रम में। हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम जिस लेवल से बन के आता है तो वो इसीलिए बनता है कि वो उस चीज़ के ज्ञाता होते हैं कि उन्हें किस तरीके से अपना पाठ्यक्रम लागू करना है। तीसरी है हमारी परिभाषा समाज में समायोजित करने के उद्देश्य। कहते हैं कि जो हमारा विद्यालय होता है वो हमारे समाज का छोटा रूप होता है, तो जब हम विभिन्न समाज के लोग जब एक जगह बैठेंगे या एक जगह हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें समायोजित करना सिखाते हैं। तो समायोजित करना हम किससे सीखते हैं पाठ्यक्रम से, क्योंकि जो पाठ्यक्रम हमारे पास बन के आया है हम उससे भी समायोजन करते हैं, हमें वो भी पढ़ना होता है। तो उसी तरह से समाज में कहते हैं कि पाठ्यक्रम में हमें जो विषय है उसके साथ साथ हम हमारे विद्यालय में होने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होते हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का हम जानते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो हमारे पढ़ने के साथ साथ हमारे जो क्रियाएं करवाई जाती हैं वो क्रियाएं हमें एक दूसरे से जोड़ती है, हमें एक दूसरे से समायोजन करना सिखाती है। जिस तरह से हम देखें कि हम खेलते हैं या हमारा कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, तो ये सब चीज़ें क्या है हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का एक हिस्सा होती हैं और वो क्रियाएँ हमें किससे जोड़ देती हैं समाज से, और हमें समाज से समायोजन करना सिखाती हैं। तो इसमें गुड ने यही कहा है कि समाज में समायोजित करने के उद्देश्य से हम क्या करते हैं पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। गुड की एक दूसरी भी परिभाषा है जिसे कहा गया है कि क्रमबद्ध विषयों का व्यवस्थित समूह, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाठ्यक्रम आखिरकार होता यही है जिसे हम क्रमबद्ध और व्यवस्थित तौर पर करके हम जिस चीज़ को सीखते हैं पढ़ते हैं ये हमारा पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो इनकी डेफिनेशन में भी यही है कि क्रमबद्ध विषयों का व्यवस्थित समूह ये क्या होता है पाठ्यक्रम होता है जिसे एक व्यवस्थित तौर पर हम क्रमबद्ध करते हैं और उसी को के द्वारा हम व्यवस्थित रूप से इसको क्या करते हैं हम इसका अध्ययन करते हैं। लास्ट है हमारी गांधी जी ने हमें हमारे इसको ये कहा है कि उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन की आवश्यकता होती है। साध्य यानी जो हम तप करते हैं, कहते हैं जब भी आओ तप क्या है हमारा कार्य। अगर एक स्टूडेंट है उसके लिए उसका तप क्या है उसकी पढ़ाई, अगर उसकी पढ़ाई उसके लिए तप है तो उसके लिए उसके साधनों की भी आवश्यकता होती है और उन साधनों की प्राप्ति उसको किसके द्वारा होती है पाठ्यक्रम के द्वारा। यानी पाठ्यक्रम के लिए कहा है कि उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन की आवश्यकता होती है। ये हमारे लिए एक तप होता है जिसकी प्राप्ति के लिए हमें साधनों की आवश्यकता होती है। ये थी हमारी परिभाषा।
अर्थ मैंने आपको बताया कि क्या होता है, इसका अर्थ होता है करिकुलम, जिसको हमने कहते हैं पाठ्यक्रम का नाम इंग्लिश में क्या है, करिकुलम। तो ये इंग्लिश वर्ड जो आया है वो हमारे लेटिन भाषा के प्यूरिस वर्ड से आया था, जिसे हम कहते हैं मैदान, दौड़ का मैदान। ये हमारे लिए पाठ्यक्रम एक हमारे दौड़ का मैदान होता है, जिसे हम जिसमें हम दौड़ लगाते हैं। तो ये हमारे पाठ्यक्रम में हमारी पढ़ाई के दौड़ का मैदान है, जिसे हम हमारी सभी चीज़ों की उपयोगिता लेकर और हम इसमें उतरते। कहते हैं कि शिक्षक पूर्ण रूप से तैयार होकर उतरता है। तो सबसे पहला जो पाठ्यक्रम के लिए कहते हैं पढ़ाने के लिए जब कोई शिक्षक जाता है, अपनी कला दिखाने के लिए शिक्षक जाता है, तो सबसे प्रथम जो उनका हथियार होता है वो उनका पाठ्यक्रम होता है। अब हम पाठ्यक्रम की प्रकृति देखेंगे, यानी कि हर विषय, कहते हैं ना हर वस्तु की, हर विषय की, हर मनुष्य की, सबका अपना नेचर होता है। तो इसी के आधार पर बताया गया कि पाठ्यक्रम की प्रकृति अर्थात पाठ्यक्रम का नेचर। हम देखें सबसे पहले पाठ्यक्रम का स्वरूप। हमने देखा है जो हमारा पाठ्यक्रम है वो किससे संबंधित है, शिक्षा से। तो हमने देखा है कि शिक्षा का स्वरूप कैसा है, औपचारिक और अनौपचारिक। यानी कि यहाँ हम देखेंगे तो पाठ्यक्रम भी कैसा हो गया हमारा, औपचारिक और अनौपचारिक, वह अनौपचारिक। अब यहाँ हम देखेंगे कि औपचारिक, औपचारिक तो वो हो गया जो हम किसी महाविद्यालय संस्था आदि से जुड़ के जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, और अनौपचारिक जो हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे हम समाज से प्राप्त करें, हमारे आसपास से प्राप्त करें, या हमारे परिवार से प्राप्त करें। तो कहते हैं कि जिस तरीके से अगर पाठ्यक्रम हम, अगर हमारा पाठ्यक्रम अगर हम विद्यालय से लेते हैं, तो वो एक हमें मानव उपाधि ग्रहण करवाता है, मानव उपाधि ग्रहण करवाता है, यानी कि हमें एक प्रामाणिकता दिलाता है। लेकिन अगर हम औपचारिक ज्ञान लेते हैं, अनौपचारिक के आधार पर हमारा पाठ्यक्रम भी वही होता है, उसमें हम कोई भी मानव उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, ओनली हम यहाँ पर हमारा एक व्यवहारिक ज्ञान ही बढ़ा सकते हैं। तो प्रकृति में है सबसे पहले हमारा स्वरूप। हम अब दूसरा देखें अवधारणा। जो अवधारणा मैंने आपको पहले भी यहाँ बताई थी कि हमारे पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है, प्राचीन और आधुनिक, प्राचीन व आधुनिक। यानी कि अगर इसे हम कहें तो संकुचित, संकुचित और व्यापक। प्राचीन में हमने देखा कि प्राचीन अवधारणा इतनी ही थी पाठ्यक्रम की कि सिर्फ व्यक्ति शिक्षित हो, उसे आगे का उसके भविष्य के लिए उसे क्या उपयोग है, उसे क्या करना है, इससे कोई मतलब नहीं था। एक सब बस बच्चे जो विद्यार्थी है उसे सिर्फ एक शिक्षित करने का उनका उद्देश्य था। लेकिन जो हमारी आज की शिक्षा है, आज की शिक्षा से हमारे पाठ्यक्रम को जोड़े, तो कहते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम जिस तरह से हमारी शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा की अवधारणा बड़ी हो चुकी है, उसी तरीके से हमारे करिकुलम का, यानी कि हमारे पाठ्यक्रम का भी, पाठ्यक्रम की अवधारणा कैसी है, व्यापक है। अर्थात आज हम पाठ्यक्रम या कहेंगे हम जिस चीज़ का ज्ञान लेते हैं, तो उस ज्ञान को लेने से पहले हम उसका प्रयोग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में आखिर उसका प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, या भावी जीवन में हमारा उसका प्रयोग क्या होगा। तो आज का जो हमारा आधुनिक हमारी अवधारणा हम देखें तो हमारी एक व्यापक हो गई है, जिसमें पढ़ने शिक्षित होने के साथ साथ हम उसका प्रयोग हमारे आजीविका के लिए भी करते हैं। हमारे भविष्य में हम उसका उपयोग किस तरीके से करें, या हम जो सीख रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, ये हमें हमारा पाठ्यक्रम बताता है। फिर तीसरा है हमारा परिवर्तनशील। कहा जाता है ना कि जब हमारा हर प्रत्येक चीज परिवर्तनशील है, तो हमारा पाठ्यक्रम भी कैसा होना चाहिए, परिवर्तनशील। कहते हैं पाठ्यक्रम होता भी परिवर्तनशील है, जैसा कि अभी देखा कि प्राचीन समय में तो सिर्फ हमारा संकुचित था, लेकिन आधुनिक में हमारा व्यापक हो गया। और आज हम नया देखें तो इसमें हमें तकनीकी शिक्षा भी इसमें हमने जोड़ दी, यानी कि प्रत्येक समय हमारा पाठ्यक्रम क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो इसमें कहा जाता है कि जैसी समय की मांग हो उसी तरीके से हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम परिवर्तनशील है। समय के अनुसार हमारा पाठ्यक्रम समय और आवश्यकता के आधार पर, समय व आवश्यकता के आधार पर हमारा पाठ्यक्रम परिवर्तित होता रहता है। फिर है हमारे
पाठ्य वस्तु का अध्ययन, यानी कि हम हमारी जो प्रकृति सबसे ज्यादा हमारी कहेगी, पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है, हमारी पाठ्य वस्तु का अध्ययन, वो हमें उस चीज का ज्ञान करवाते हैं, उस पाठ्य वस्तु को पढ़ने वाली विषय का अध्ययन करवाती है जो कि हम पढ़ना चाहते हैं, उसका क्रमबद्ध अध्ययन करवाती है, व्यवस्थित अध्ययन करवाता है पाठ्यक्रम। आगे देखें हम शैक्षणिक स्रोतों का, हम शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग पाठ्यक्रम के द्वारा हम हमारे शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग करते हैं, उनका उपयोग जानते हैं कि जो हम काम में ले रहे हैं ये हमें समय और हमें कब इसका उपयोग करना है, ये हमें पाठ्यक्रम सिखाता है, यानी कि हमारे स्रोतों का सही प्रयोग करना और सही समय करना, ये हमें हमारा पाठ्यक्रम सिखाता है कि हमें किस समय हमारे किस शैक्षणिक स्रोत का प्रयोग करना है। फिर है हमारा अधिगम हेतु व्यवस्था, कहते हैं कि शिक्षण जो हम अधिगम करते हैं, अधिगम तो हमेशा क्या करता है, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन, तो हमारे शिक्षा का जो पाठ्यक्रम हमारा हिस्सा है, तो पाठ्यक्रम जरूर से जरूर हमारे अधिगम में परिवर्तन, हमारा अधिगम प्रभावशाली बनाता है, वो जरूर जो बच्चा होता है उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है। अधिगम के लिए हमारे पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी व्यवस्था करना कि बच्चों को किस तरह से पढ़ना है या किस तरह से उसके लिए वातावरण प्रस्तुत करना है कि वो अधिगम करना, जो अधिगम के लिए अपने महत्वपूर्ण बात है वो है हमारा पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम के आधार पर ही हमारे अधिगम की व्यवस्था करते हैं। फिर है साध्य प्राप्ति का तरीका, जैसा गांधी जी ने कहा है कि ये हमारे साध्य प्राप्ति का साधन है, यानी कि जो तप जो कार्य हम कर रहे हैं उसकी प्राप्ति करने का साधन कौन है, पाठ्यक्रम, कि बिना इसके हम साध्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, साध्य मीन्स हमारा लक्ष्य, जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, जो कार्य हम करना चाह रहे हैं उसकी प्राप्ति हमें बिना पाठ्यक्रम के नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समायोजन, यानी कि पाठ्यक्रम हमें सामंजस्य से समायोजन करना सिखाता है, एक दूसरे को किस तरीके से हमें समायोजन करना है, संतुलन बिठाना है, ये हमें पाठ्यक्रम सिखाता है। कहते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज्ञान प्राप्ति का स्रोत, कहते हैं जो ज्ञान जिस विषय के बारे में, जिस विषय वस्तु के बारे में हम जो ज्ञान लेना चाह रहे हैं वो क्या है हमारा ज्ञान प्राप्ति का स्रोत, हमारा पाठ्यक्रम, यानी कि हमारे पाठ्यक्रम के ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है, हमारा ज्ञान जो हम प्राप्त करेंगे वो हम पाठ्यक्रम के आधार पर प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शिक्षण के साधन के रूप में, हमारा जो ज्ञान है वो हमारा एक जहाँ ऊपर साध्य था नीचे हमारे साधन, यानी कि हमें किस तरीके से वो जो साध्य की प्राप्ति हम करने जा रहे हैं उनके लिए हमें साधनों का किस तरीके से प्रयोग करना है, किस क्रम से करना है, ये हमें हमारा पाठ्यक्रम सिखाता है। एक है नेक्स्ट क्रमबद्धता, कहते हैं कि पाठ्यक्रम हमारी क्रमबद्धता सिखाती है, जो कि इसके अर्थ में भी मैंने आपको बताया था कि ज्ञान पाठ्यक्रम है क्या, विषय वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन, जिसे हम क्रम से हम उसके विवरण का अध्ययन करते हैं, स्टेप से कि हमें कब कौन से ज्ञान की प्राप्ति करनी है, व्यवस्थित समूह, कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, एक व्यवस्थित जिस तरह से क्रम है, क्रम निर्धारित करके हम उसे व्यवस्थित करते हैं कि अब हमें क्रम निर्धारित हो गया है, अब हमें इसे किस तरह से पढ़ाना है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, हमारा पाठ्यक्रम। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया पाठ्यक्रम का अर्थ मैंने आपको बताया था, परिभाषा बताई है और प्रकृति बताई है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी पाठ्यक्रम का, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।